महाराज का प्रेरणा पाते अनाशक्त भाव से ही मुक्ति जग माही ऐसो रो अम्बुज शर्माई रहे नीर के आश्रय पर जल चुवत नाई लिव इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेंस इन द मड। ये अनाशक्ति की भावना है, ये विदेह अनाशक्ति की भावना विदेह राजा जनक विदेह थे कि जो है शरीर में रहते हुए शरीर का भान नहीं करना, अपने अस्तित्व का भान करने अनाशक्ति होना। आप परिवार का पालन पोषण करते हो, आप धन कमाते हो, आप जो है दान पुण्य करते हो, आप कोई भी प्रवृत्ति मन वचन काया की करते हो, ये अनाशक्ति का भाव है, ये आपका रियल पुरुषार्थ है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि जो कुछ चल रहा है पूर्व अर्जित जो उदय और जो हमारे प्रारब्ध के अधीन जो चल रहा है मन वचन काया की जो बैटरियां खुल रही है वो पूर्व निर्धारित जो नियत है टेम्परेरी है वो जड़ है, आप उसके साथ तन्मयाकार नहीं होते हो, ये अनाशक्ति है। और ये ज्ञाता दृष्टा भाव का एक गुण है, अनाशक्त रहने से हम ज्ञाता दृष्टा बनते हैं, मात्र जानने वाले देखने वाले बनते हैं। और जो कुछ भी उदय प्रारब्ध भाव चलता है उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, वो ये जुड़ाव है, ये आशक्ति है। और ये कर्म बंधन का कारण है, ये नए कॉजेज डालने का कारण है। और जो बंच ऑफ दी कॉजेज जो कॉजल बॉडी लिंग शरीर कार्बन शरीर भीतर है उसको और बढ़ाने का कारण है। तो बड़ी सीधी गणित है कि हमारा अटैचमेंट है वह आसक्ति है, नॉन अटैचमेंट है अनाशक्ति है जो हमें सुख की ओर ले जाती है।